अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोगों का क्या हाल है। फाइनली मैं आज वापस आ गया हूँ। मैं थोड़े दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरे स्कूल्स खोल गए। क्यों, आपको पता ही होगा कि 30th से स्कूल सारे खोल गए। मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को स्कूल जा रहा हूँ अब। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो ये आज मुझे मज़े का आइडिया आया क्योंकि मेरी पहले सारी जो भी वीडियोस थी वो फूड से रिलेटेड थी। तो अब मैं नई चीज़ ट्राई करने लगा हूँ, वो है डेली लाइफस्टाइल व्लॉग एपिसोड्स। और ये डेली व्लॉग्स होंगे और ये एपिसोड्स होंगे, इनकी पूरी सीरीज जारी होगी। चलें आए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एक आइकॉनिक सा चीज़ हुई है, वो जो है ना कब्रिस्तान हमारे बैक साइड पे, उधर उन्होंने आग लगाई है और एक बिल्ली है, उसने ना इधर बच्चे दिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाए, मैं आप लोगों से सोचा कि आप लोगों से आइडियाज लूँ कि मैं क्या क्या करूँ। आप लोग कमेंट में बताएं कि मैं कौन कौन किस किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो ताकि मुझे प्लान्स मिल जाए और आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ, 3-4 नहीं पूरी एपिसोड करेंगे इसकी। ये डेली लाइफस्टाइल व्लॉग है, ये करेंटली आप एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। मैं आप बताएं कि Q&A मैं कब करूं। आई थिंक सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स हो गए मैंने Q&A नहीं किया, तो मैं Q&A करूंगा। मैंने अपना लास्ट Q&A किया था और वो मेरा फर्स्ट Q&A था मैं अपनी बर्थडे पे। बर्थडे वाली व्लॉग भी मैंने अपलोड की हुई है। जुलाई 10th को मेरी बर्थडे होती है। इधर इनकी दीवार टूट गई थी। ये सारा इधर का है व्यू। कब्रिस्तान वालों ने 6 महीने बाद, टोटल 6 महीने बाद ये सारी घास काटी है और इधर आग लगाई है, वरना इधर ना बहुत मसला हो जाता था। इधर काफ़ी दफ़ा सांप भी मैंने देखे इधर। और ये देखे, ये इन्होंने आग उधर सारी लगाई हुई है। अब तो बुझ गई है, वरना तो इधर बहुत ही धुआं था। हमारे घर के अंदर भी आ रहा था, हमने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए। हल्की हल्की देखे उनमें से धुआं नज़र आ तो रहा है। वो देखें, ऐसे लगेगा जैसे कोई वॉल्केनो है। बस वो वाली जो जगह है ना, वो सारी ये बस है, रहती है। और ये देखें इधर इनके ये सारे खेत हैं, वो सब इनके सारे खेत, इधर से ही अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं। और ये देखें, ये बेल है हमारी, बड़े प्यारा ये प्लांट है। ये पहले बड़ा छोटा सा होता था, अब काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने इधर काफ़ी अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट भी ली है 14 अगस्त के हवाले से, और इस तरह बहुत ही मज़े के। चले आए चलते हैं। ये एलोवेरा का प्लांट है, ये बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलोवेरा जल भरी हुई है। मैं आपको तोड़ के ज़रा दिखाता हूँ, कांटे लगे हुए ज़रा। ये कितना ज़्यादा इसके अंदर है, ये काफ़ी बेनिफिशियल है हेयर वगैरह के लिए, और मेकअप प्रोडक्ट्स पे भी काफ़ी यूज होता है। इधर ट्रीज भी बहुत लगे हुए हैं। जब सुबह होती है ना, तब उन दरख्तों के अंदर अमरूद लगे हुए हैं, तो उनमें से बहुत फ्रेगनेंस आती है, दिल करते हैं कि उधर से तोड़ के खाएं। बहुत इधर ये प्यारा सारा नेचर है। सुबह इधर सबसे मज़ा आता है, इधर चिकन्स भी फेड़ होते हैं। सरप्राइजिंगली इनके पास तो 24 से ज़्यादा कुत्ते हैं, 24 पता नहीं 13 इस तरह करके कुछ कह रहे थे, लेकिन काफ़ी हैं। इनके वो बच्चे भी पैदा हुए हैं डॉग्स के। सो गाइस, ये हमने पीछे का ये सारा मंजर देख लिया। चले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। इधर ही आगे हम बैक साइड पर चलते जा रहे हैं। इधर देखे पठान बातें कर रहे हैं।
इधर आप उनके लिए चीज है। इधर असल में कुछ भी नहीं है, असल में ना इधर बिल्लियां, एक बिल्ली है जो 3-4 साल से हमारे घर में ही है, बड़ी प्यारी है, मल्टी कलर की है। तो उससे ना वो बच्चे दिए 3-4 दिन पहले, तो वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। सबसे पहले मुझे उनको देख के लगा वो कोई चूहे, इतने छोटे छोटे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जल्दी से बड़े होते जाएंगे। इधर थे, अब ये 7 घरों में चक्कर लगाएंगे, ये पता नहीं कुछ करते हैं इस तरह घरों के। और अब वो दोबारा इधर ही वापस आ जाएंगे। हमने इनको दूध वगैरह भी डाला था, उनकी जो माँ है वो हमसे बड़ा डरती है। अगर अभी नज़र आ गई तो मैं आप लोगों को वो अभी दिखाऊंगा। ये देखें आप लोगों ने तो ये रिकॉग्नाइज ही कर लिया होगा। ये देखें बड़ा आइकॉनिक ये पौधा है, ये ओरियो के लिए भी था, अब हमने इधर रख दी है। और इधर मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम की, आप लोगों को पता ही आएगा। बड़ा ये प्यारा प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा हो गया। इधर ये सारे ट्रीज लगे होते थे। और एक ख़ास बात इधर की कब्रिस्तान की जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, मंकी है इधर, एक मेरी तरह ही शरारतें वो करते हैं, बड़ा खुश है मंकी वो, और उसके साथ एक बकरा भी है। एक दिन उसने ना हमारे घर आके ना क्या कहते हैं वो थोड़ी सी चीज़ें की थी, काफ़ी मज़े की ट्रिक्स करके दिखाए थे। तो तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बना हुआ था, मोहम्मद भी आया हुआ था और भी थोड़े से बच्चे आए हुए थे, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया उसको देख के। अभी पता नहीं अपने उधर होगा या बंकी या कहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे होगा। और मैं आपको ख़ास बात बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने बहुत ही बड़ी बुरी चीज़ की है। ये जो सारी लाइन थी ना, ये सारी ये इधर से लेके सारा उधर तक इन्होंने सारा ट्रीज से कवर किया था, लेकिन 3-4-5 साल हो गए होंगे इन्होंने कट कर दिया सारा। इस वजह से बड़ा मैं सैड हूँ। ऑक्सीजन हमें मिलती थी, बड़ा इधर ग्रीन ग्रीन सा होता था, मैंने खुद नहीं देखा था, मामा ने मेरी बताया था कि इधर लगे हुए। ये इस ट्रीज पे बड़े ज़्यादा क्रोज आके बैठते हैं। अभी भी आपको उनकी चिड़ियों की कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो अगर आप देख रहे होंगे इधर पिजन्स वगैरह भी हैं, वो अभी आई थिंक सो ऊपर आएंगे स्काई में, मुझे नहीं पता, लेकिन इधर ही कहीं हैं वो पिजन्स, वापस आ जाएंगे। वो देखें सॉरी शेक और है, एक डॉगी उधर से भाग के गए, इधर था मुझे देख के भाग गए। आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप उसका नज़र आएगा, पता नहीं आप कहाँ पे गए, झाड़ी में छुप गई कहाँ, उससे इधर जंप लगाई थी। ये हमारी ये इनका बिस्तान वालों की दीवार टूट गई थी, ये मैंने जूम इन किया, इस वजह से शेक और है। अब जूम आउट कर देते मच बेटर। तो पता नहीं वो डॉग कहाँ पे गए। ये देखें उनके कबूतर वगैरह आ गए, पिजन्स बड़े प्यारे, मैं जूम इन करता हूँ। वो देखें वो बिल्ली है जिसकी मैं बात कर रहा था, सॉरी आप लोगों को सही नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल आंखों में देख रही है मुझे। देखे अच्छा वो बिल्ली तो भाग आखी है मुझे देख के, फेलियर हो गए, नहीं फेलियर तो नहीं हुआ, आप लोगों ने कुछ कुछ तो देख लिया, लेकिन वो है ब्राउन कलर की और मल्टी कलर की है एक तरह का, उसका मुंह तो वाइट है ना, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। चले आप सोच रहे होंगे कि मैं ये देखे शोर नहीं करना चाह रहा है,
क्योंकि वो बॉइल कर जाएगा, लेकिन आप लोगों को शूट करूँगा, मैं आप लोगों की जिंदगी बचाऊंगी। ये मामा लेके आई थी ये इतवार बाजार से, जब मैं छोटा होता था तब की ये लेके आई है। ये बड़ी मजे की गन है, और ये देखें ये इसकी एरो, ये किसी को नहीं लगती। अगर हम इसका ये चीज उतारें ये, तो ये लगती है काफी जोर की। और ये हम वापस निकालते हैं क्योंकि ये ना कि किसी को लग जाए। ये इसकी बुलेट है, और ये इससे ये स्टिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अभी मोबाइल की स्क्रीन को नहीं हो रहा। ये दो हैं, असल में ये तीन होती हैं, एक गुम होगी। ये इससे मोहम्मद भी इससे बॉल खेलता था। आप लोगों ने ये सारा देख लिया, मैंने कब्रिस्तान की भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया कि उधर गुरु ने लगाई है घास को, और वो बिल्ली के बारे में भी, और थोड़ी सी मैंने रैंडम चीज़ें भी इसमें ऐड की हैं। तो ये एपिसोड 1 था, और मैं इसे जाके एडिट करता हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।